किसानों ने आज उप जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने सात मांगे रखी। आइए हम आपको बताते हैं क्या है वो सात मांगे। हम आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के किसानों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किसानों को 5 हेक्टेयर भूमि का पट्टा और एक लाइसेंसी राइफल देकर वहां पर बसने की इजाजत दी जाए, जिससे किसान देश की रक्षा भी करेंगे और देश के लिए अन्न भी उत्पाद करेगा। 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण हुई फसलों की बर्बादी को प्राकृतिक आपदा मानकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदेश में धान की फसल आ चुकी है, सरकारी धान क्रय केंद्र खुल चुके हैं, पर वहां किसानों का धान खरीदने में रुचि न रखकर मिली भगत से व्यापारियों का धान खरीदा जा रहा है, जिससे किसान मायूस है। संविधान क्रय केंद्रों पर केवल और केवल किसानों के ही धान की खरीदारी की जाए। प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए कच्ची शराब का कारोबार जोरों पर है और लाइसेंसी शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग हो रही है, जिसमें कच्ची शराब पीकर सैकड़ों की संख्या में जान जा चुकी है। पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद कच्ची शराब पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है, जिसमें कहीं न कहीं अखबारी विभाग के सभी अधिकारियों की मिली भगत है, जिसको तत्काल बंद कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिलों में OTS योजना की घोषणा की, पर किसान मांग करते हैं कि प्रदेश में बिजली के दरों को कम से कम आधा किया जाए और कोरोना काल के घरेलू कृषि ट्यूबवेलों में बिजली बिलों को माफ किया जाए। इनकी छठी मांग है किसान सहकारी चीनी मिल हसनपुर में विस्तारीकरण को अमली जामा तत्काल बनाया जाए। इनकी सातवीं मांग है जनपद में गन्ना किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार मिलगेट से गन्ना क्रय केंद्र या गन्ना क्रय केंद्र से मिलगेट से जोड़ा जाए। इसके अलावा नए गन्ना क्रय केंद्र आवंटित किए जाएं, जैसे गन्ना किसान अपनी सुविधा अनुसार चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति करा सके। चौधरी दिवाकर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। हम मोदी गवर्नमेंट से और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए प्रदेश के किसानों को बसाया जाए, उनको 5-5 हेक्टेयर जमीन के पट्टे और एक एक लाइसेंस दिया जाए, फिर हम देखते हैं कैसे आतंकवाद वहां पनपता है और देश की अस्मिता बचाने का काम ये देश का किसान करेगा। दोस्तों, कई हजार आदमी एक महीने के अंदर, कई हजार व्यक्ति, कई हजार ये नर नारायणी देह है, कई हजार व्यक्ति इस मिक्सर और कच्ची पक्की इस शराब से हमारे आदमी मर जाते हैं। मरते नहीं, मरते। आपने सुना होगा कि फला जगह वहाँ अवैध शराब पकड़ी गई, उसके पीने से, कच्ची शराब पीने से इतने लोग, यानी कि उनके कुल का नाश हो गया, उनके बीवी बच्चे बेचारे तड़पते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। अमरोहा से KKD न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट।